चलिए, केमिस्ट्री क्लास 12 यूनिट 2 जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। इससे पहले आप मोलारिटी पार्ट पर मिलियन यानी कि पीपीएम स्ट्रेंथ और मास परसेंटेज देख चुके हैं, क्लियर। आज हम इसी टॉपिक के आगे बात करेंगे जिसका नाम है फॉर्मालिटी। फॉर्मालिटी किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मालिटी किसको कहा जाता है। फॉर्मालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम, जितनी नंबर पे ग्राम, जैसे कि 4 ग्राम, 5 ग्राम, 7 ग्राम, जो भी नंबर ऑफ ग्राम। फॉर्मूला मास का मतलब मोलर मास ऑफ द आयोनिक सॉल्यूट। आयोनिक सॉल्यूट का मतलब समझ में आता है, उसको डिकम्पोज करेंगे तो एक पार्ट प्लस में और दूसरा पार्ट माइनस में टूट जाएगा, केवल उसका सॉल्यूट। डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F। बात समझ में आया, फॉर्मेलिटी किसको कहते हैं। फॉर्मेलिटी कहते हैं कि एक लीटर सॉल्यूशन में हम जितनी नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट लेंगे, कैसा सॉल्यूट लेंगे, आयनिक सॉल्यूट लेंगे, जिसको डिकम्पोज करने पर प्लस और माइनस पे टूट जाएगा, वही उसका क्या कहलाता है, फॉर्मालिटी कहलाता है। क्लियर। फॉर्मालिटी का मतलब क्या कि वो जिस बिलियन में घुलेगा उसको उस तरह का नेचर बना देगा। जैसे कि नमक को आप घोलेंगे तो उस बिलियन को वो साल्टी बना देगा, समझ में आया। उसका फॉर्मालिटी ठीक। जैसे कि आयनिक कंपाउंड हमारा क्या हो सकता है, NaCl। Na को NaCl को डिकम्पोज करेंगे तो टूटेगा किस में, Na प्लस Cl माइनस में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे तो K प्लस OH माइनस में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ेंगे तब भी, सोडियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे तब भी ठीक। तो इस प्रकार का जितनी नंबर ऑफ ग्राम, क्या मोलर मास, किसी एक लीटर सॉल्यूशन में जितना घुला हुआ रहता है उसका क्या कहलाती है, फॉर्मालिटी कहलाती है। क्लियर। चलिए मैथमेटिकली एफ का मतलब फॉर्मालिटी, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम इन लीटर लिखा हुआ है। क्लियर। आप थोड़ी सी जानकारी कि आपने यहां पे लिख तो दिए कि ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, तो ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तभी तो वहां पे आप वैल्यू डाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसका वैल्यू, ग्राम फॉर्मूला मास इज इक्वल टू, देयरफॉर ग्राम फॉर्मूला मास इज इक्वल टू, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूट का सिंबल बी है, yes, नहीं है? है, समझ पाई। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू क्या है, मोलर मास है, केवल मास बाय क्या होगा, मोलर मास या फॉर्मूला मास। चलिए हम फॉर्मूला मास लिख देते हैं, आप चाहे तो मोलर मास लिख सकते हैं। क्लियर। अगर हम अब सॉल्यूट की बात करें, किसकी बात करें, सॉल्यूट की बात करें, तो W के जगह में हम क्या W भी लिख सकते हैं, यही तो सीखे हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय फॉर्मूला मास या मोलर मास ठीक। जो वैल्यू आएगा क्या कहलाएगी, ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा।
क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं, समझिए ठीक। 9.8 ग्राम, क्या है ये 9.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ H2SO4 ठीक। तो इसका ग्राम फॉर्मूला मास इक्वल टू WB कितना दिया हुआ है 9.8 बाय फॉर्मूला मास 98 होता है, नहीं होता है क्या? ये निकालने आप जानते हैं, सॉल्व कीजिए, ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे जीरो, कितना बार में 10 बार में 1/10 बहुत बोलो 0.12 सही है। ये 0.1 इसका क्या कहलाएगा? ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा। परफेक्ट समझ में आया? यस सर। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा वहां पे। फॉर्मूला मास को क्या मोलर मास कहते हैं हम लोग? यस सर। मोलर मास का रिप्रेजेंटेशन एमबी लिखेंगे ना, मोलर मास। ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर फॉर्मालिटी इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम फॉर्मूला मास इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एमबी। तो क्या ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट के जगह में आप डब्ल्यू बी बाई एमबी लिख सकते हैं? यस सर। बाई वॉल्यूम इन लीटर, तो क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इन एमएल बाई 1000। अगर हमारा वैल्यू किस में रहे? एमएल में, तो उसको हम सीधे 1000 में डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। क्लियर? डाउट नहीं है? नो सर। अब निकाल पाएंगे फॉर्मालिटी? यस सर। जैसे कि मान के चलो यही हमारा क्वेश्चन रहा, ठीक। यहाँ पे हमने सीधे क्या दे दिया? 250 ml क्वेश्चन बना हमारा। इसका फॉर्मालिटी आप कैलकुलेट करके दिखाइए हमको। चलिए कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। तो WB कितना? 9.8 ग्राम बाय MB, यानी कि मोलर मास कितना? 98 बाय वॉल्यूम इन ml कितना? 250 बाय 1000, क्या निकलेगा? यस सर। समझ पाई क्वेश्चन? यस सर। बताओ जल्दी, 9.8 बाय 98 इंटू 1000 बाय 250 यही होगा क्या? यस सर। 250 चौके 1000 नहीं होता है? होता है। और ये 10 काटो 2 से, फिर 5 से, बोलो 2/5 कितना? 20 आया, 0.4 एफ फॉर्मालिटी। बात क्लियर? यस सर। डाउट है? फॉर्मालिटी कैलकुलेट कर पाएंगे? यस सर। ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखिएगा, मोलर मास कैलकुलेट करने आप जानते हैं, ठीक। अगर मान के चलो कि हमारा क्या दे दे, 4 ग्राम H2O, H2O तो खैर सॉल्वेंट में आता है, ये देगा नहीं, 4 ग्राम क्या दे दे? NaCl दे दे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का, ये तो सिर्फ समझने के लिए था हमारा, ठीक। अगर 4 ग्राम ऑफ NaCl दे दे तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? 4/NA23 Cl का 35.5 जोड़िए, कितना? 58.5। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, जितना वैल्यू आएगा वही उसका क्या कहलाएगा? ग्राम फॉर्मूला मास कहलाएगा। बात समझ में आया? यस सर। अब इसका 35.5 लेना जरूरी है?
ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती है तो ले सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। लेकिन वहां पे आप मेंशन करेंगे मास ऑफ सीएल इज इक्वल टू 35, ठीक। अगर हम इसी को 300 ml पानी में घोल देते हैं तो क्या इसका फॉर्मेलिटी नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। समझ में आया? यस सर। हो गया क्लियर? यस सर। किसी प्रकार का डाउट है? यस सर। तो ये आयनिक सॉल्यूशन में मिलता है, जैसे हमने एग्जांपल भी यहाँ पे बहुत सारा चीज लिखा था, दो चार। चलिए आगे है हमारा नॉर्मालिटी। नेक्स्ट क्या है? नॉर्मालिटी। ये देखिए कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, नॉर्मालिटी। हो गया? द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। सिंपल सा डेफिनेशन, हाँ सर्टिफिकेट है, साइन करना होगा तो कर दो। सर्टिफिकेट कंप्यूटर का लेना है तो ले सकती है, हमारे यहाँ से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, यहाँ से थोड़ा प्रिंट हो जाता है बाहर से, वो पार्सल हो ITCT। जैसे जैसे कोर्स लेगी, ADCA लेगी, PGDCA लेगी, PGDCA तो बनेगा नहीं, ADCA DCTT ले लो, टीचर ट्रेनिंग कंप्यूटर का। हाँ मैं जैसा परीक्षा लिखेगी सबको फर्स्ट, हमारे हाथ में है ना, जो यहाँ से लिख के भेजेंगे वही प्रिंट करके देगा, ऑनलाइन चेक करेगी दिखाएगा वही। तो आया है सर्टिफिकेट ही है, वो बाहर से आता है ना। आज का डेट में कंप्यूटर भी कंपलसरी है, ठीक। चलिए फिलहाल नॉर्मालिटी रिप्रेजेंट करके हम लोग किसे, एन से। ध्यान से समझिएगा, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, एक नया और वर्ड इक्विवेलेंट मास, फिलहाल आप इक्विवेलेंट मास को इक्विवेलेंट मास ही समझिए, ठीक। ऑफ द सॉल्यूट, किसका सॉल्यूट का, डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूट है, यहां पे आयनिक सॉल्यूशन सॉल्यूट की बात नहीं किया, कोई भी सॉल्यूट जो सॉल्यूशन में कम मात्रा पे होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूट कहते हैं। उसका क्या इक्विवेलेंट मास, एक लीटर सॉल्यूशन में जितनी मात्रा में घुला हुआ है वही उसका क्या कहलाता है, नॉर्मालिटी कहलाता है। क्लियर? सब क्लियर करेंगे मैथमेटिकली। एन यानी कि नॉर्मालिटी इक्वल टू, बोलिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, सॉल्यूट। पर का मतलब क्या समझती है, बाय। पर का मतलब बाय, पर लीटर।
यानी कि वॉल्यूम में लीटर। बात समझ में आया? डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है कि नहीं? चलिए क्लियर, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास, क्या लिखा हुआ है? यस सर। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब मास, बाय इक्विवेलेंट मास, बाय इक्विवेलेंट मास। समझ पाई? और एक खोज पूछ आया, कौन इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला आया, मास बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक, क्या आप इक्विवेलेंट मास को ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ई फॉर क्या समझेंगे? इक्विवेलेंट मास। अगर हम ई भी लिख दिए तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, बी का मतलब सॉल्यूट होता है, इसीलिए सबसे पहले सिंबल पढ़ाए हैं। नहीं, चलिए ध्यान से समझिएगा। आप किसको समझाएं? इक्विवेलेंट मास को, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू क्या होता है जल्दी? मोलर मास बाय मोलर मास बाय वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला पता चला, मोलर मास बाय वैलेंसी। ठीक, वैलेंस नहीं बोला है, वैलेंसी बोला है। क्या बात समझ पाई? चलिए ध्यान दीजिएगा, फॉर एग्जांपल में ठीक, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, बताइए इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है, नहीं बाय वैलेंसी क्या टू होता है ना? क्या होता है रे वैलेंसी? सिक्स वैलेंस होता है, वैलेंसी क्या होता है? टू होता है, तो बाय टू इक्वल टू एट। एट क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट मास। नहीं समझ में आया? आया, क्लियर। अब ये निकल गया तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास निकलेगा क्या? निकलेगा। अब इसी का ध्यान से समझिएगा, इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास अलग अलग है। इक्विवेलेंट मास क्या? मोलर मास बाय वैलेंसी। हमने ऑक्सीजन का निकाला तो 16 बाय 2 क्या मिला? 8। अगर हम ऑक्सीजन का क्या निकालें? ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालें तो क्या होगा? W की जगह में 16 बाय इक्विवेलेंट मास क्या निकाले? 8 इज इक्वल टू 2। ये 2 क्या है इसका? ग्राम इक्विवेलेंट मास है, याद रखेगी। यस सर। ये तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री ही है। समझ तो पा रही है? यस सर। चलिए ध्यान दीजिए आगे, और एन यानी कि नॉर्मालिटी, क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट? जल्दी बोलिए क्या है? मोलर मास बाय वैलेंसी, क्या नहीं है? कि डाउट है अभी भी कि मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास क्या है? ये यहाँ पे ग्राम होना चाहिए ना हमारा, ग्राम होना चाहिए सर, क्या है ये? ग्राम 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 इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग्राम लिखेंगे, छूट गया था। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई
इक्विवेलेंट मास। तो बोलिए ग्राम इक्विवेलेंट मास की जगह में क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी, बी फॉर सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसका? सोल्यूट का। तो यहाँ पे डी बाय वॉल्यूम इन लीटर, तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इन ml बाय 1000। लेकिन आप डायरेक्ट इसका वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, आपको ये कैलकुलेट करना ही होगा, तभी तो आप क्या निकाल पाएंगे? ग्राम इक्विवेलेंट मास निकाल पाएंगे। पहले क्या निकालना होगा? इक्विवेलेंट मास निकालना होगा, तब ये निकलेगा आपका। समझ पा रही है? डाउट है? क्वेश्चन देने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। डब्ल्यू बी आपका दिया हुआ होगा बाय इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास तो आपको निकालना होगा। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला आपके पास में है, मोलर मास बाय वैलेंसी, ठीक। और वो वैल्यू को पुट करेंगे, ईबी ये है आपका, कहां चल गया ईबी, यही है क्या ईबी, यानी कि ईबी इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास मतलब एमबी बाय वैलेंसी। ये देखिए ये फॉर्मूला में जब आइएगा इसको तोड़िएगा तब आपको क्या मिलेगा? ईबी मिलेगा, और ये तो दिया हुआ रहेगा आपका, ठीक। निकाल तो पाएंगे ना, डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते, पहले ये निकालना ही पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल, ठीक लिखिएगा। ई का मतलब इक्विवेलेंट मास, ई का मतलब क्या समझेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मोलर मास बाय वैलेंसी। ये लिख सकते हैं ए का मतलब एटॉमिक मास, ए फॉर क्या होता है? एटॉमिक मास, यहां पे हम सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, ए फॉर क्या होगा? एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। एटॉमिक मास क्यों लिए? क्योंकि हमने केवल एलिमेंट लिया है, कंपाउंड नहीं लिया। अगर कंपाउंड लेते तो क्या लिखते? मोलर मास लिखते। बात समझ में आया होगा, क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, ई ऑफ हमने क्या लिखा? एन ए, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम, ठीक। बताइए कितना? 23 बाय 1 इक्वल टू, समझ में आया? यस सर। क्लियर? इसको पहला नंबर दीजिए, निकल पाएंगे ना किसी का भी? yes, sir. E for equivalent mass of SC. क्यों एसिड नहीं हो सकता है क्या? इक्वल टू एम फोर मोलर मास, यहां पे ए फोर लिखिए एटॉमिक मास, और एम फोर मोलर मास बाय बेसी सिटी या बेसी डीटी। वैलेंसी नहीं लिखेंगे, केवल हमारा कंपाउंड या एलिमेंट है तभी हम क्या लिखेंगे? वैलेंसी लिखेंगे, ठीक। अगर हमारा क्या हो? एसिड हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेसिसिटी या बेसिडिटी, एक ही चीज को कहते हैं। बता रहे हैं, बहुत बारीकी से समझना इसको, ठीक। ई ऑफ एसिड
H2SO4 एसिड है कि नहीं है, है। M क्या है? मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास 98 बाय बेसिसिटी। आप कैसे पता बेसिसिटी कितना? नहीं पता तो लिख दे नहीं पता यहाँ। इसको जानने के लिए आपको स्ट्रक्चर में जाना होगा। ठीक, चलिए स्ट्रक्चर सिखाते हैं। एस क्या आपको पता है? ऑक्सीजन की संख्या बोलिए। फोर। दो हाइड्रोजन है, सिंगल बोन, डबल बोन, डबल बोन, डबल बोन से ओ जुड़ा, डबल बोन से ओ जुड़ा, सिंगल बोन से ओ एच, सिंगल बोन से ओ एच। स्ट्रक्चर में जितनी संख्या में ओ एच होती है, एक बार फिर से, स्ट्रक्चर में जितनी संख्या में ओ एच होती है उसका बेसिसिटी कहलाती है। क्या बात समझ में आया? तो इस स्ट्रक्चर में ओ एच की संख्या कितना? दो। क्लियर? यस सर। तो इसका बेसिसिटी कितना? दो। डाउट है? ध्यान दीजिएगा, जितना ओ एच होता है ना, वहीं से आपका एच प्लस क्या करता है? दान करता है। और जितना एच प्लस वो दान करेगा वो उसका बेसिसिटी कहलाएगा। क्लियर? हो गया। E4 of HCl, बताइए थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव बाय बेसिसिटी। कितना संख्या में हाइड्रोजन दान कर सकता है? क्योंकि इसके पास में एक ही हाइड्रोजन है तो एक ही क्या करेगा? दान करेगा। तो इसका बेसिसिटी कितना? 36.5। बात तो पकड़ रही है? समझ में आया? चलिए E4 इक्विवेलेंट मास H3PO4 H3PO4। जल्दी 19 बाय थ्री। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है जानती है? ध्यान से समझना, ठीक ना? जैसे कि हम जब भी लोग घुसेंगे तो ये सारा डाउट क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी जानकारी। फास्फोरस 15 होता है, एलडीएस में आएंगे 1 2 3 4 5। ठीक, ऑक्सीजन की संख्या बोलिए। 1 2 3 4 4 ही है। जब फास्फोरस रहता है तो पहला ऑक्सीजन क्या रहता है हमारा? गायब होता है। पहला ऑक्सीजन में हम हाइड्रोजन को कभी भी नहीं जोड़ते हैं। क्या मेरा बात समझ पाई? नहीं समझ पाया? जब फास्फोरस हमारा कंटेन होता है, ठीक, तो आप कभी भी इसमें हाइड्रोजन को नहीं जोड़ेंगे। ठीक, अगर हाइड्रोजन को यहां नहीं जोड़ेंगे तो इसमें कैसा बॉन्ड आएगा? डबल बॉन्ड। फिर यहां एच, यहां एच, यहां पे एच, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में ओ एच, ओ एच, यहां पे ओ एच, ओ एच, यहां पे डबल बॉन्ड। बेसिसिटी जितनी संख्या में ओ एच होता है वहीं से हमारा एच प्लस दान होता है। क्लियर? या आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं एच थ्री सीधे। हो गया? चलिए
इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3। आप काट लीजिएगा ना, इतनी बात समझ में आती है। चलिए ये बनाइए, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3। हाँ 82 बाई, देखो यहीं पे गच्चा लगता है, समझ में आया? तुम ये H3 को देख के बोल रही है ना, अगर यहीं पे अगर तुम थ्री लिखी है तो गच्चा लग जाएगा। हाँ तो बनाओ, इसीलिए हम ऊपर में नहीं पढ़ाते हैं, हम चाहते तो इतना जितना अच्छा उसको देख के लिखने के लिए बोल सकते थे, लेकिन कहाँ पे गए हम, स्ट्रक्चर पे गए। अभी डायरेक्टली बताते तो आप यहाँ पे थ्री लिखते और थ्री क्या होता आपका, गड़बड़ होता। समझ में आया? बनाओ, क्या कर रही है, बना जल्दी। H3 है, H2 है, 3 है, 3 है, और ये नीचे लिखो ना रे, भगवान H केवल H। हाँ अब उसको लगाओ, वहां नहीं समझी, इधर ध्यान दो, H3PO3 LDS यही है, ऑक्सीजन की संख्या क्या रूल है, पहला ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, ठीक, हाइड्रोजन को फिर जोड़ते जाएंगे, ठीक, सिंगल बॉन्ड में OH, डबल बॉन्ड हो। अब बताओ बेसिसिटी थ्री कहां से आएगा, यह फास्फोरस का रूल है, जब हम पी ब्लॉक करेंगे तो आपका जड़ से लेकर कहां तक फलता है वहां तक खत्म करेंगे रूल, ठीक ना? डाउट है? आप इसको देख के कभी भी नहीं लिखेंगे स्ट्रक्चर, ठीक? आगे बढ़ दें, चलिए यूनिट पढ़ रहे, पता है ना? सॉल्यूशन। आपने क्या क्या देखा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट या कंपाउंड, दूसरा आपने क्या देखा, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड, देखे तीसरा इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस का मतलब क्षार, एसिड का मतलब अम्ल। हो गया? यस सर। ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस इक्वल टू M4 मोलर मास बाय एसिडिटी। क्लियर? यस सर। ध्यान दीजिएगा, एसिडिटी किसको कहेंगे, नंबर ऑफ OH क्या कहलाता है, एसिडिटी कहलाएगा। हाँ नहीं, एसिडिटी यहां पे तो इस OH से H दान होता था, नहीं समझ पाए, हमने लिखा था जितना OH उतना से उतना H दान, नहीं तो ये इसको भी बोलेंगे तो तीन नहीं हो जाएगा। हाँ लेकिन डायरेक्टली एसिडिटी किसको देखेंगे, केवल OH की संख्या, ठीक? चलिए एग्जांपल, E4 इक्विवेलेंट मास NaOH, बताइए जल्दी, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 कितना, 40, 40 बाई, क्या बोल रहा, नंबर ऑफ OH, क्या वो नहीं समझ पाया, आया क्लियर? क्या ये
होता है, बोलो। कैल्शियम का 40, फिर 16 दुना 32 प्लस 2 कितना 74 बाई क्यों 2 क्यों है नहीं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का 26 की 27 27 प्लस 48 प्लस 3 78 बाय 3 निकल रहा है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। क्लियर? डाउट तो नहीं है, मिटा दे इसको। पहचानने का तरीका आता है ना कि कौन हमारा एसिड और कौन है बेस। OH जहां पर भी कंटेंट रहा वो क्या रहेगा? बेस। और H जहां पर भी कंटेंट रहा क्या रहेगा? एसिड। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब नमक, नमक। ठीक, चलिए फोर नंबर। अच्छा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू एम का मतलब मोलर मास बाय नंबर ऑफ कटायन, कटायन का मतलब प्लस है कि नहीं है, मेरी समझ में आता है तो क्या हम लिखते? ठीक, इक्विवेलेंट मास ऑफ जल्दी जल्दी हा 58.5 बाय क्यों? क्योंकि हम इसको डिकम्पोज करेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस से टूटेगा, लेकिन सर फॉर्मूला क्या बोला? नंबर ऑफ कटायन, बात समझ आई? ठीक, इफ और इक्विवेलेंट मास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हमने लिखा था एग्जांपल के तौर पे, याद आ रहा है किसमें? फॉर्मालिटी में। चलिए 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना? 100 बाय 100 तोड़ो इसको, नहीं तोड़ेगी तो हम तोड़ देंगे। कैल्शियम का 20 दो आठ आठ दो नहीं प्लस 2 तो नीचे नहीं समझ में आया? आया। इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 48
106 बाय 106 बाय 1 सोडियम का कितना 1, तो यहाँ पे कितना सोडियम, तो कितना पॉजिटिव आयन, डाउट है, क्लियर? और आगे और एक लिखिएगा टॉपिक, रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोरालिटी। रिलेशन बिटवीन नॉर्मालिटी एंड मोरालिटी। लिटी तो पढ़िए नहीं है, हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, एन के लिए नॉर्मालिटी, एम के लिए मोलारिटी, ठीक? क्योंकि नहीं लिखेंगे तो एम का मोलर मास भी हो सकता है ना। रिलेशन ध्यान दीजिएगा, एन का मतलब नॉर्मालिटी इक्वल टू एम का मतलब मोलारिटी इंटू बैलेंस। सिंपल फॉर्म पे अगर आपको किसी का नॉर्मलिटी पता है ना, तो डायरेक्टली अगर आपको किसको मोलारिटी पता है और उसका वैलेंस ही पता है, तो डायरेक्टली आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। ये रिलेशन है ना, डाउट है? चलिए, एन क्या है? नॉर्मलिटी ऑफ एसी, नॉर्मलिटी ऑफ एसी इक्वल टू एम फोर मोलारिटी, एसी का उल्टा आपने निकालने सिखाया ना अभी, सब को हाईलाइट करते चलिए। ये रिलेशन हो गया, एन यानी कि नॉर्मालिटी ऑफ बेस इक्वल टू एम इंटू एसी डीसी, एसिडिटी भी आपने कैलकुलेट करने सीख लिया। yes, लिखे हैं, क्लियर यहां तक? चलिए, वी नो दैट एम फोर मोलारिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 क्या 1000 नहीं 1000 बाय वॉल्यूम इन ml, व्हाट तो नहीं है मोलारिटी, देखो है कि नहीं है। पहले चेक कर लो है कि नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब शिक्षक गुना करें बताइए, m इंटू एम बी इंटू वी वन थाउजेंड कहां से आ गया रे, इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000, इक्वेशन नंबर भी लगा दो फर्स्ट है, क्लियर? एन फोर एन फोर नॉर्मालिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई
Eb into 1000 by volume in ml. V2 मान लेते हैं. डाउट है? डाउट है संदरी? ये V2 माने हैं किसका? नॉर्मलिटी का वॉल्यूम इन ml को, और इसका मोलारिटी का वॉल्यूम इन ml को V1 माने हैं. ठीक. और n into Eb into V2 इक्वल टू WB into 1000. इक्वेशन नंबर सेकेंड सही है? चलिए ध्यान दीजिएगा. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है हमारे पास में? ध्यान दीजिए, क्या है ये? WB into 1000. क्या लिखा हुआ है? WB into 1000. क्या आप उसके जगह पे इसको लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, तो लिखिए. क्या लिखेंगे? M into MB into V1 equal to N into EB into V2. सही है? बना रिलेशन. देखिए आ गया समझ में? एक कंटेनर है ना? क्या है ये? कंटेनर. इसमें हमने 2 लीटर क्या रख दिया? सॉल्यूशन. कितना रखे? 2 लीटर. समझेगी? कितना? 2 लीटर. किसका, किसके साथ में सॉल्यूशन रखे? H2SO4. ठीक. इसका मोलारिटी यानी कि M 2.5 है, दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है? 2.5 दिया हुआ है. ठीक. समझेगी? इतनी सी बात क्लियर? यस सर. हमने सॉल्यूशन कितना लिया? 2 लीटर. किसके साथ में? H2SO4 के साथ में. इसका मोलारिटी कितना? 2.5. ठीक. अब हमने यहाँ पे ऐड किया 1/2 लीटर पानी. कितना? 1/2 लीटर पानी जोड़ दिया. ठीक. तो हमको एक दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा. मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा. अब लीटर कितना? 2.5 लीटर. समझी सुंदरी? हाँ. सॉल्यूशन तो किसका है अभी? अभी भी यहाँ पे H2SO4 का. क्या आप n कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं समझ में आया? दिखाएं. इधर आइए. m क्या है? मोलारिटी कितना दिया हुआ है? 2.5 इंटू एम भी आप निकाल सकते हैं. किसका? H2SO4 कंथाला पे होता है. प्लस इंटू भी वन 2 लीटर दिया हुआ है. इक्वल टू एन. एन ही रहेगा. ई भी आप फाइंड कर सकते हैं? नहीं फाइंड कर सकते हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कर सकते हैं ना? इंटू भी टू. भी टू आपका 2.5. क्या आप नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर नहीं पाए? क्लियर? कल ये क्वेश्चन आप बना के लाइएगा. नॉर्मलिटी क्वेश्चन तो समझ पाए होंगे? कहाँ निकालना है? एन यानी कि नॉर्मलिटी निकालना है. ईबी का मतलब समझ में आता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट. क्या होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट? मोलर मास बाय वैलेंसी. निकल जाएगा ना? आपका एन आराम से निकल जाएगा. वी टू दिया हुआ है 2.5 लीटर. इधर का टोटल जीत दिया हुआ है. सिर्फ आपको ईबी कैलकुलेट करना है. हो गया?
चलिए क्या हुआ उसको ध्यान दीजिएगा। यहां तो हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिए, आधा लीटर पानी ऐड कर दिए, किए कि नहीं किए। अगर पानी ऐड नहीं करते तो यहां भी दो लीटर, यहां भी क्या होता, दो लीटर। समझ पा रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी वन इज इक्वल टू वी टू तो दोनों बराबर होता कि नहीं होता, बताइए कहा है उसको जल्दी, एम इंटू एम डी इंटू वी वन इज इक्वल टू एन इंटू ईबी इंटू वी वन, वी वन इज इक्वल टू वी टू। तो बताओ तो एम इंटू एम बी इज इक्वल टू एन इंटू ईबी, क्या इस केस में तो और जल्दी निकल जाएगा? यस सर। लेकिन गारंटी नहीं रहता है ना कि इक्वल वॉल्यूम दे कि उसमें ऐड करके दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि यहां पे आधा ही दे दे, दो लीटर भी ऐड कर सकता है। समझ में आया? क्लियर? यस सर। ये डाउट है? No, नहीं नहीं है डाउट? नो सर। और एम इंटू एम बी इक्वल टू एन इंटू ईबी का फॉर्मूला बोलो, हाँ किसका, सोल्यूट का लिख सकते हैं एम बी बाय। अब बताओ एम बी से क्या एम इक्वल टू एन बाय वैलेंसी और एन इक्वल टू बोलो जल्दी, एन इक्वल टू एन इंटू क्या आपको हम लिखाए रुक करके दिखा दिए कहां से आया, ये है केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। हो गया क्वेश्चन, लिखिएगा कैलकुलेट द मोलारिटी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी 2.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन 2.2 कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है मतलब सॉल्यूट भी है यहाँ और सॉल्वेंट भी है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर। हमेशा सॉल्वेंट क्या रहता है, वाटर। यहाँ पे हिंट भी दे देते हैं हम, गिवन दैट ताकि दिक्कत ना हो बनाने में, ए इक्वल टू ए मतलब सॉल्वेंट H2O है कि नहीं, बी इक्वल टू NaOH दिया हुआ है, डब्ल्यू बी इक्वल टू 5 ग्राम नहीं है, बी इक्वल टू 450 ml, एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एम का मतलब मोलारिटी, क्या निकाल पाएंगे आप? क्लियर? चलिए केमिस्ट्री को आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं।